ठीक है जी। याद करें, आज जो स्टार्ट करना है दैट इज हेडिंग लिखो प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मेन टॉपिक आज का यही रहेगा, प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। फर्स्ट मेथड इज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होता है स्टूडेंट? प्राइमरी अल्कोहल इज आर सी एच एच ओ एच, यही है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। ऑन ऑक्सीडेशन अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे वी विल गेट एल्डिहाइड आर। अच्छा, इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, ओ एच यहाँ पे, एच आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव एल्डिहाइड। पहले चेक करो इज इट अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक लिखी है मैंने? अगर येस देन वाई दिस रिएक्शन जो स्क्रीन पे है वाई इट इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीडेशन। फोकस ऑन दीज टू हाइड्रोजन्स, दोनों मिसिंग है प्रोडक्ट में। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया दैट दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। फिर क्वेश्चन आएगा ये रिएक्शन हुई कैसे? ऑक्सीडाइज जरूर हो रहा है लेकिन कैसे? मेथड लिखूं, दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड इन H2SO4, ठीक है, और दिस रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग PCC, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। फुल फॉर्म लिख दूं, पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट और बाय यूजिंग कॉपर एंड टेम्परेचर इज 570 और 573, अगर बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है 573, दैट इज 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अंडर दीज कंडीशंस प्राइमरी अल्कोहल कैन बी चेंज टू एल्डिहाइड, कैन बी ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल इज CH3। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, वो 1573 है, ये वो स्लैश है, स्लैश, ये स्लैश है। ठीक है, एग्जांपल देखो, इथेनॉल, इन तीनों में से कोई भी बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज CrO3 ले लेता हूँ, बाकी भी दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, इसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट विल गेट ऑक्सीडाइज टू CH3CHO।
इथेनॉल, टू इथेनल, इथेनॉल टू इथेनल। ओके, जो पॉइंट दिमाग में कैरी करना है साइड पे लिख लो, क्या चीज़ है ये? प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल, दिस इज इन पॉइंट टू रिमेंबर, ऑन ऑक्सीडेशन क्या फॉर्म करेंगे? एल्डिहाइड। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन फॉर्म एल्डिहाइड, नोट कर लो इसे। अमनवीर, व्हाट हैपन्स इफ वी ऑक्सीडाइज सेकेंडरी अल्कोहल, फिर क्या प्रोडक्ट बनेगा? कैन यू गेस? कीटोन। कीटोन, यस। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है इन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, जो स्क्रीन पे लिख लिया रंगत, डन? यस सर। ठीक, फिर देखो, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल देखो, सेकेंडरी अल्कोहल इज आर सी एच आर डैश ओ एच, दिस थिंग इज सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन पूरा ही लिख दूं, ऑन ऑक्सीडेशन इट विल गिव कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ कीटोन। इसे क्यों बोलेंगे ऑक्सीडेशन? सेम जैसे पहले करा है, फोकस ऑन दीज टू हाइड्रोजन्स, प्रोडक्ट में देखो ये दोनों हाइड्रोजन मिसिंग है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। दिस रिएक्शन अगेन कैन बी कैरिड आउट बाय यूजिंग CrO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड, by using PCC or heating the secondary alcohol in presence of copper, इनों में से कोई भी यूज कर, you can convert secondary alcohol into ketone. Example, सिंपल इज CH3 CH2 CO H H CH3, ब्यूटेन टू ओल सेकेंडरी अल्कोहल, कॉपर एट 573K, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 C
डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री कीटोन। ओके, सो पॉइंट टू रिमेंबर इज ऑन ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म्स कीटोन। By using any of these three oxidizing agents. ये था first method to prepare aldehydes or ketone. General method है. Aldehyde भी prepare कर सकते हो. You can also prepare ketones through this method. ठीक है, नोटेड। यस सर। अच्छा हाँ, एक चीज़ नोट करो, जो अपने ये रिएजेंट लिखा होगा ना सी आर ओ थ्री ओब्लिक एच टू एस ओ फोर, लिखे दोनों केसेस में, इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसका नाम लिखो, इट इज़ नोन एज जॉन्स रिएजेंट। ठीक है, जॉन्स रिएजेंट। एक और भी लिख लो, के टू सी आर टू ओ सेवन, इसे भी यूज कर सकते हैं, इन सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं कोरेज रिएजेंट। सेम है फंक्शन, इसका भी सेम है, कोरेज रिएजेंट करता क्या है, दिस कन्वर्ट्स, फंक्शन ऑफ दिस रिएजेंट लिखवा रहा हूँ स्पेसिफिकली, ये फोर्थ रिएजेंट लिख सकते हो आप, इट ऑक्सीडाइजेज प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल टू कीटोन। ठीक है, यहाँ पे आपने तीन रिएजेंट्स लिखे हैं ना, फोर्थ रिएजेंट ये लिख सकते हो। These two reactions, summary likhun, these four reagents, kon kon se? By using John's reagent, CRO3 in H2SO4, by using copper at 573K, third is, एक आपको ये लिखा दूँ, सी आर टू के टू सी आर टू ओ सेवन एच टू एस ओ फोर, फोर्थ इज, एक कौन सा लिखवाया था आपको, कॉपर 573 सी आर ओ थ्री, एक और था मैं मिस कर रहा हूँ, पीसीसी था, हाँ पीसीसी था, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है,
these four reagents convert primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones, respectively. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो फिर। इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन मैं इसे कंप्लीट कर रहा हूँ, ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है। इथेनॉल ऑन ऑक्सीडेशन विद पीसीसी गिब्स, चूज द आंसर। इथेनॉल। इथेनॉल, गुड। ठीक है, वो सिर्फ अगर ऑक्सीडेशन लिखा है ना बच्चे, वो मिसलीडिंग हो जाता। फिर भी स्पेसिफाई मैंने क्यों करा विद पीसीसी, वो समझाने के लिए साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इथेनॉल होता है CH3CH2OH, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज होता है इनटू CH3CHO। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, बट चांसेस हैं इथेनॉल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए इनटू CH3COOH, या फिर डायरेक्ट इथेनॉल ही इसमें ऑक्सीडाइज हो जाए बाय यूजिंग KMnO4 इन अल्कलाइन मीडियम। सो है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है दोनों, है ना, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है जो फर्स्ट करी है, जो सेकंड लिखी है ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। सो यू हैव टू स्पेसिफाई बाय यूजिंग व्हाट काइंड ऑफ रिएजेंट। जैसे पीसीसी में अगर आप पीसीसी यूज़ करोगे तो इथेनॉल इथेनल में मींस एल्डिहाइड स्टेज पे आके रुक जाएगा, ठीक है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। ओके, आपने एमसीक्यू की फॉर्म में लिखना है, बेस्ट है, अदरवाइज कंप्लीट कर लेना है सेंटेंस इथेनॉल। ओके, गुड इवनिंग अरमान। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, टू प्रोपेनोल, प्रोपेन टू ओल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स, ये भी क्वेश्चन सेम है, ऑन ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग CrO3 जॉन्स रिएजेंट, चूज द करेक्ट आंसर। टू प्रोपेनोल क्या होता है, टू प्रोपेनोल इज दिस CH3CHOH, CH3। हाँ जी हरसिमरत, क्या बनेगा ऑन ऑक्सीडेशन, टू प्रोपेनोल विल गिव, हाँ जी प्रोपेनोन, गुड, ठीक है, बाय यूजिंग जॉन्स रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट मींस इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इट गेट ऑक्सीडाइज टू गिव CH3C OCH3। ठीक है, सो आंसर इज प्रोपेनोन। सेवी नोट करो।
ओके सेकंड प्रेपरेशन लिखो, फर्स्ट मेथड लिखा है ना, नहीं फर्स्ट नहीं, दो लिखे हैं, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकंड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स, थर्ड है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्डिहाइड और कीटोन्स कैसे बना सकते हैं बेटे? दो मेथड्स हैं, फ्रॉम अल्कीन्स एंड फ्रॉम अल्काइन्स। थर्ड मेथड लिखो, थर्ड में लिखो इसे ऐसे करो, ए बी कर लेना, ए मेथड बी, ए एंड बी, फ्रॉम अल्कीन्स, सेकंड फ्रॉम अल्काइन्स। ठीक है, जो अल्कीन से करते हैं दैट मेथड इज नोन एज ओजोनोलिसिस। ठीक है, जो अल्काइन से करते हैं दैट इज नोन एज हाइड्रेशन, ओजोनोलिसिस और सेकंड करेंगे हाइड्रेशन। पहले ये फ्लो चार्ट बना लो, फिर जो फर्स्ट मेथड है उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड ए पार्ट लिखो, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। थोड़ा सा रह गया, रह गया, लो चलो। ठीक है पीयूष, पहले तो नहीं कुछ मिस? हो गया, हो गया। ठीक है, अच्छा ओजोनोलिसिस, जिसने लास्ट ईयर ऑर्गेनिक थोड़ी सी भी करी है सबसे ज़्यादा उसे ओजोनोलिसिस का नाम ही याद होगा, अदर देन वो दो रूल मार्कोवनिकोव एंड एंटी मार्कोवनिकोव। प्लस वन वाला याद है, ठीक है, नहीं है और भी अच्छा, अब कर लेना। ओजोनोलिसिस रिएक्शन में होता क्या है? ओजोनोलिसिस में देखो बच्चे, अल्कीन लेते हैं, कंसिडर एन अल्कीन सी डबल बॉन्ड सी, ये कंटिन्यू है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कोई भी अल्कीन हो सकती है। बेटे माइक ऑफ करो। This alkene is treated with ozone, O3 alkene। ठीक है, यहाँ पे याद क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना है। ओके, बॉन्ड ब्रेक करना है सी, जो पहले बॉन्ड्स बने हुए हैं वो एज इट इज दो रहेंगे। ठीक है, एंड ईच कार्बन joins to two oxygen atoms, ऐसे ही दूसरी साइड कार्बन और वो दो बॉन्ड एज इट इज है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स जो स्क्रीन पे दिख रहा है इट इज नोन एज ओजोनाइड, ओजोनाइड। दिस कॉम्प्लेक्स इज देन ट्रीटेड विद जिंक एंड वाटर, जिंक एंड वाटर, और इस कॉम्प्लेक्स के तीन हिस्से हो जाते हैं, इन थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड एक ऑक्सीजन बच गया। मींस क्या क्या बना, सॉरी फर्स्ट वाले के पास ऑक्सीजन ही नहीं है, ऐसे फर्स्ट पार्ट,
ये सेकंड, और ऊपर वाला बच गया थर्ड। फर्स्ट पे देखो क्या बना, ये फर्स्ट पे बना सी, ये दो बॉन्ड एज इट इज है, डबल बॉन्ड ओ। सेकंड वाला भी कुछ ऐसे ही बना, सी दो बॉन्ड एज इट इज, डबल बॉन्ड ओ। ओके, एंड थर्ड इज जेड एन ओ, थर्ड पार्ट इज जेड एन ओ। और इसे एग्जाम्पल इजी तरीके से करते हैं। एक अल्कीन कंसिडर करो, कंसिडर दिस अल्कीन CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये कोई अल्कीन है। दिस अल्कीन इज ट्रीटेड विद इन फर्स्ट स्टेप विद ओजोन, इन सेकंड स्टेप जिंक एंड वाटर। ओके, ये अल्कीन कंसिडर कर लो कोई। मैं एक रिएक्शन क्या होगी, क्या समझाता, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है। और जब डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं, प्रोडक्ट सिंपल है, वो बीच वाला ओजोनाइड नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट CH3 फर्स्ट कंपोनेंट लिख दिया। ओके, और डबल बॉन्ड के साथ लगा दो ऑक्सीजन, दैट्स इट। सिमिलरली सेकंड वाला पार्ट लिखो, सेकंड वाला पार्ट कौन सा है, दिस वन, ये सेकंड पार्ट है, इसे लिखो CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड ओ। दोनों कंपोनेंट्स पे डबल बॉन्ड लगा दिया। सो एक अल्कीन की ओजोनोलिसिस पे, जब ओजोनोलिसिस कर रहे हो अल्कीन की, क्या बना, यू विल गेट कीटोन एंड एल्डिहाइड, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर अल्कीन की ओजोनोलिसिस कर रहे हो तो क्या बना, वन मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। दोबारा समझो, जैसे ही डबल बॉन्ड ब्रेक करा, आपने डबल बॉन्ड ओ मींस कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप लगाने कैसे हैं, बच्चे डबल बॉन्ड से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, एक ये, ठीक है, देखो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ये बन गया इससे कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा पार्ट था जो इस एल्कीन का, दूसरा पार्ट कौन सा था, सेकंड पार्ट वाज दिस, इससे क्या बना, ये दिस इज ओजोनोलिसिस, इसमें जिंक ऑक्साइड भी निकलेगा। हाँ जी, हाँ हाँ वो है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, उसे तो लिख लो ZnO। एक्चुअली पहले H2O2 बनता है, वो जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ZnO बना देता है बाद में, चलो वो डिफरेंट स्टोरी है, बट वो बाय प्रोडक्ट है ZnO। ऊपर वाला ओजोनॉइड, जस्ट इन केस आपको क्वेश्चन आ गया, वो डायग्राम बनी हुई वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, बट प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सिर्फ डबल बॉन्ड ब्रेक करना है, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे ऑक्सीजन लगा देनी है, दैट्स इट। ये था बच्चे ए पार्ट।
ओजोनोलिसिस। बी पार्ट क्या है? बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। बी पार्ट लिखो, बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। पीयूष तेरा नोट कर लिया तूने? यस सर, हो गया। ठीक है, किसी और का पेंडिंग तो नहीं है? सानिया, ओ चलो बाय द हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अब अल्काइन की हाइड्रेशन देखो, इसकी हाइड्रेशन से करते कैसे हैं बे? जैसे इथाइन ले ली, इथाइन इज सी एच, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर। बच्चे एक कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड कर देना है, दूसरे कार्बन पे OH, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CHOH। इज दिस ओके? और यहाँ पे देखो, ये चीज बनी क्या? ये जो चीज फॉर्म हुई ना CH2CHO, इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, हाइड्रोजन आउट, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चे CH3CH डबल बॉन्ड O। क्या बना ये? इथेनल। और इस स्टेप को बोलोगे क्या? इस स्टेप को बोलोगे टॉटोमरिज्म, TAUTO, टॉटोमरिज्म। टॉटोमरिज्म इज द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। दिस थिंग दिस कंपाउंड इज नोन एज इनोल। ये जो इनोल है, इनोल क्यों बोल रहे हैं इसे? यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे OH भी है, इन ओल, इनोल फॉर्म है, ठीक है, और दूसरा एल्डिहाइड फॉर्म भी है। ये शिफ्ट हो गया, ठीक है, आप एरो शो कर लेना हुआ कैसे, ऊपर यहाँ से चाहे दोबारा बना देता हूँ। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया और हाइड्रोजन आउट, ठीक है। दिस फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म। एक एग्जांपल और देखें, पहले इसे नोट करो फिर दूसरी एग्जांपल देखें।
एक एग्जांपल और देखो इसकी। आप ये अल्काइन कंसिडर करो, द सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इसकी हाइड्रेशन करते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन मींस वाटर ऐड करना है, एच ओ एच बाई यूजिंग एच जी एस ओ फोर एंड एच टू एस ओ फोर। ठीक है, अब बड़े प्रॉब्लम है, किस कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड होगी, किस कार्बन पे ओ एच, ये कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन इस कार्बन पे, ओ एच इस कार्बन पे। ठीक है, इसे सिर्फ सोचना है, साइड पे ऐड कर लो, ऐसा क्यों हुआ, जस्ट लाइक मार्कोवनिकोव एडिशन, जस्ट लाइक मार्कोवनिकोव एडिशन। रिमेंबर दिस, मार्कोवनिकोव एडिशन, मार्कोवनिकोव रूल, द कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास और हाइड्रोजन चले गए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला जस्ट लाइक, इन दोनों कार्बन के पास जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा थे एक हाइड्रोजन और चला गया। सो क्या प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करोगे, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यू विल गेट सी एच थ्री यहाँ पे सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर टॉटोमरिज्म अब थोड़ी अपने आप ट्राई करके देखो, टॉटोमरिज्म में क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ में एंड हाइड्रोजन आउट। ठीक है, व्हाट यू विल गेट, प्रोडक्ट इज अ कीटोन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, प्रोपेन टू ओन, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स क्या फॉर्म करती हैं, अगर तो इथाइन यूज कर रहे हो, इथाइन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, ऑल अदर अल्काइन्स विल गिव कीटोन्स। नो, इसे नोट में लिखना है, लिख लो, इम्पॉर्टेंट नोट, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स एक्सेप्ट इथाइन फॉर्म्स कीटोन, फॉर्म्स कीटोन। ठीक है, इथाइन की हाइड्रेशन से आपने लिखी लिया पहले, ऑन हाइड्रेशन इथाइन फॉर्म इथेनल एल्डिहाइड। ठीक है, बाकी क्या फॉर्म करेंगे, ऑल अल्काइन्स विल फॉर्म कीटोन्स। इसके साथ थर्ड मेथड कंप्लीट है, अभी तक का ब्रीफ देख लो, आज अपने क्या करा है, मेथड ऑफ प्रेपरेशन में
First, we have prepared aldehydes from the oxidation of primary alcohols, then ketones from the oxidation of secondary alcohols. Third, by ozonolysis of, जहाँ थर्ड का ये पार्ट, बाय अजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, दोनों बन सकते थे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. थर्ड का बी पार्ट जो स्क्रीन पे है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, इट फॉर्म्स ईदर एल्डिहाइड अगर इथाइन है, अगर और कोई अल्काइन है देन कीटोन्स. ओके पिछले एग्जाम्पल देना है. हाँ जी पिछले एग्जाम्पल दिखाना. दुष्यंत समझ नहीं आया, दोबारा बोल. पिछला एग्जाम्पल दिखा दो. अच्छा मैं दिखाता नहीं, मैं ड्रॉ ही करवा देता हूँ. ये देख कर ड्रॉ मेरे साथ, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, इनफैक्ट को ट्राई करके देख, प्लस एच ओ एच. उसका नाम नहीं लिखा पैसे. किसका? ये ले. अब लिख लें ठीक है. यस सर थैंक यू. ओके नेक्स्ट लिखो, फोर्थ मेथड जो प्रेपरेशन है, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, फ्रॉम असाइल क्लोराइड. अब ये असाइल क्लोराइड क्या है? इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चे रोजनमुंड रिएक्शन. इट्स अ नेम रिएक्शन, सो मार्क इट एज इम्पॉर्टेंट. रोजनमुंड रिएक्शन फ्रॉम एसाइल क्लोराइड. प्रिपेयर करेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन. व्हाट इज दिस असाइल क्लोराइड? असाइल ग्रुप होता है बच्चे दिस ग्रुप आर सी ओ. दिस ग्रुप इज असाइल. ठीक है, आर की बजाय बेंजीन लग जाए जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में लगी हुई है तो उसे क्या बोलेंगे, बेंजोइल क्लोराइड. ठीक है, अगर यहाँ से मैं क्लोरीन हटा के एच लगा दूँ तो क्या बन जाएगा, ये एल्डिहाइड है ना. बस इतना सा काम है रोजनमुंड रिएक्शन में. बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड बाय यूजिंग लेड एंड बेरियम सल्फेट इन बॉइलिंग ज़ाइलीन. ज़ाइलीन यहां पे यूज हो रहा है एज सॉल्वेंट. जिनको ज़ाइलीन नहीं पता साइड पे लिखो, व्हाट इज ज़ाइलीन. Xylene is this compound. Okay, this is xylene. That's it. Chlorine replace kariye hydrogen ne. Ban gaya benzaldehyde. ठीक है, इस catalyst का नाम, इसको बोलते हैं Lindlar. Lindlar catalyst. Okay.
पैलेडियम इन वेरियम सल्फेट इज लिंट लार्ज कैटलिस्ट, क्या क्या काम करता है ये? इट रिड्यूसेस असाइल ग्रुप टू एल्डिहाइड ग्रुप. ठीक है, इसका काम है असाइल टू एल्डिहाइड बनाना. और इस रिएक्शन का क्या नाम है? दिस रिएक्शन इज रोजन मुंड रिएक्शन और रोजन मुंड रिडक्शन. नाम अगर किसी ने स्किप करा है, इट्स अ फोर्थ मेथड ऑफ प्रेपरेशन, रोजन मुंड रिडक्शन. ये है बच्चे रोजन मुंड रिडक्शन, बेंजोइल क्लोराइड टू बेंजाल्डिहाइड. रिएक्शन इजी है, नाम थोड़ा जरूर डिफिकल्ट है. रिएक्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्लोरीन को हाइड्रोजन से रिप्लेस करा है. अमनवीर हो गया? दुष्यंत तेरा भी हो गया? यस सर. अच्छा, किसी ने चलो पूछा नहीं तो इसे मैं बोल भी देता हूँ. सल्फर का क्या है फंक्शन है? सल्फर का फंक्शन देखो, यहाँ पे सल्फर या क्यूनोलिन एक कंपाउंड है, वो यूज़ कर सकते हैं. इट एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन. बेसिकली ये रिएक्शन को इस स्टेप पे, बेंजाल्डिहाइड स्टेप पे रोकता है ताकि ये फर्दर ऑक्सीडाइज ना हो जाए. कहाँ पे? इससे COOH ना बन जाए, फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, इस रिएक्शन को रोक रहा है. ठीक है, ओ सॉरी, फर्दर रिडक्शन ना हो इसको रोक रहा है. ऑक्सीजन, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने, फर्दर रिडक्शन ना हो. सल्फर हेयर एक्ट एज कैटालिटिक पॉइजन, कैटालिटिक पॉइजन टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन. फर्दर रिएक्शन, ठीक है, ताकि बेंजाइल अल्कोहल ही ना बन जाए उससे. नेक्स्ट मेथड लिखो बेटे, फिफ्थ रिएक्शन. फिफ्थ रिएक्शन इज अगेन अ नेम रिएक्शन, इट इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन. स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? स्टीफन रिएक्शन में वी यूज अल्काइल नाइट्राइल. अल्काइल नाइट्राइल, नाइट्राइल इज सी ट्रिपल बॉन्ड एन. ओके, इट इज ट्रीटेड विद SnCl2 एंड HCl. हेयर HCl प्रोवाइड टू हाइड्रोजन्स, क्या बन जाता है आगे? RCH NH. बेटे दो हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, एक यहाँ पे हाइड्रोजन और एक यहाँ पे, दो हाइड्रोजन्स ऐड हो रहे हैं. ठीक है, हाइड्रोजनेट हो रहा है, मीन्स स्टार्ट किससे कर रहा है? वी हैव स्टार्टेड विद अल्काइल
नाइट्राइल, और इसका रिड्यूस्ड प्रोडक्ट ये क्या चीज है, इट इज अल्काइल इमीन। इसे ध्यान से लिखना, आपने अमाइन देखा होगा, अमीन, अमीन कौन सा कंपाउंड होता है, साइड पे लिखूं, टॉप पे देखो, अमीन क्या होता है, अमीन इज जिसमें सी और कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो, दैट कंपाउंड इज नोन एज इमीन। ओके, दिस कंपाउंड इज इमीन। नाउ दिस अमीन इज हाइड्रोलाइज्ड एसिडिक कंडीशन में, एच पॉजिटिव ओब्लीक एच टू ओ। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कुछ ओजोनोलिसिस में हुआ था, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो और ऑक्सीजन लगा दो वहां पे, क्या बन गया ये आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, प्लस अमोनिया निकल जाता है, ठीक है। वाटर का ओ किसके साथ अटैच हो गया, विथ कार्बन, ठीक है, एंड दोनों हाइड्रोजन किसके साथ चले गए, NH के साथ, टू फॉर्म NH3। सो अल्काइल नाइट्राइल अल्टीमेटली चेंजेस टू एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन रिएक्शन। एक रिएक्शन कंप्लीट करके दिखा दो मुझे, एग्जांपल, एक एग्जांपल इज कंसीडर दिस अल्काइल नाइट्राइल CH3 CH2 CN फर्स्ट ट्रीटेड विद SnCl2 HCl ठीक है, जो चीज जो प्रोडक्ट बना दैट इज हाइड्रोलाइज्ड, कंप्लीट दिस रिएक्शन, कंप्लीट करोगे क्या बनेगा, फर्स्ट You'll have CH3, CH2, CH, double bond, NH. ठीक है? फिर CH3, CH2, CHO. अगर बच्चे इन कंपाउंड का नेम करें, 1, 2, 3, ये था प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल किसमें चेंज हो गया, चेंजेस टू प्रोपेनल, चेंजेस टू प्रोपेनल। और बीच में क्या बना था, प्रोपेन अमीन, प्रोपेन इमीन। दिस रिएक्शन इज स्टीफन रिएक्शन। ठीक है, डन।
यस सर। नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ रिएक्शन बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स बाय यूजिंग डाइबाल एच। रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स बाय यूजिंग डाइबाल एच। अब यही क्वेश्चन होगा, व्हाट इज दिस डाइबाल एच? तो पहले प्लीज डाइबाल एच देखो, डाई बॉल एच। ये बच्चे फुल फॉर्म है इसका, डाई मीन्स टू, ये एक वर्ड है डाई, यहां से डाई, ये सेकंड वर्ड है, ये थर्ड वर्ड, ठीक है। इट इज डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, रीड कर रहे हो डी आई बी, डाई आइसोब्यूटाइल, आगे आपको पता है एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो इस कंपाउंड का प्लीज पूरा नाम लिखो, इट इज डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबॉल एच। ओके, फॉर्मूला लिखवा दो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का। आइसोब्यूटाइल कौन सा ग्रुप होएगा? आइसोब्यूटाइल इज सी एच थ्री सी एच, ये मैंने आई थिंक 1000 टाइम तो कम से कम रिपीट करा होगा, दैट सी एच थ्री टू टाइम सी एच जिसमें ग्रुप हो वो क्या होता है? आइसो, ठीक है। दिस ग्रुप इज डाई आइसोब्यूटाइल, ये है दो बार, टू टाइम्स एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। समटाइम्स दिस डाइबॉल एच ऑल्सो रिटन एज आइसो ब्यू टू टाइम्स ए एल एच, कहीं कहीं पे आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ भी दिखेगा, मीनिंग सेम है, ठीक है। अब इसका फंक्शन देखो, ये क्या करता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फंक्शन सेम है, ये भी अल्काइल नाइट्राइल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है एंड अमोनिया इज फॉर्म, सेम जैसे वो स्टीफन रिएक्शन था ना, डिट्टो फंक्शन है। ओके, यहां से डबल बॉन्ड ब्रेक कर देता है और ऑक्सीजन आ जाती है। एग्जांपल करें, ये है पेंट थ्री ईन नाइट्राइल, इसकी रिएक्शन डाइबॉल एच के साथ करनी है। ये जो लिखा हुआ है ना टू एच थ्री ओ पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है? समटाइम इट इज रिटन एज और करके एच पॉजिटिव ओब्लिक एच टू ओ, मतलब सेम है दोनों का, हाइड्रोलाइज करना। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पे फंक्शन करेगा? सिर्फ यहां पे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस एग्जांपल लेने का, मीनिंग भी वही था, ये समझाना, ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, दिस डबल बॉन्ड डाइपॉल एच की खासियत ही यही है दैट डाइपॉल एच डज नॉट अफेक्ट दिस डबल बॉन्ड, दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, नथिंग। ठीक है, सो आप प्रोडक्ट लिख दोगे, आई थिंक गैस कर ही लिया होगा प्रोडक्ट बच्चों ने क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एज इट इज, CH2 CHO CHO। ओके, नेम दिस कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज पेंट, पेंट थ्री इन वन अल, पेंट थ्री इन अल। जो आए जीत बेटे, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ओके, दिस कंपाउंड इज पेंट थ्री इन अल। ये था सिक्स मेथड ऑफ प्रेपरेशन। नेक्स्ट लिखो सेवंथ मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, याद है ये एस्टर है ओ आर, ठीक है सी ओ ओ आर एस्टर। यहाँ पे क्या करना है आपने, इस ग्रुप को हटा के क्या लगाना है, ये आउट हाइड्रोजन इन, इट विल गिव यू एल्डिहाइड। रिएक्शन देखो, डाइबॉल एच इन टोलुइन, यहाँ पे टोलुइन है एक्ट एज सॉल्वेंट, दिस टोलुइन एक्ट एज सॉल्वेंट हेयर, ठीक है इट एक्ट एज सॉल्वेंट, प्रोडक्ट हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है इस का क्या बना, इट चेंजेस टू दिस आर ओ एच, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट था स्टार्टिंग वाला, इनफैक्ट राइट इट एज आर डैश ज्यादा बेटर है, आर डैश ये पार्ट है आर डैश, और इस पार्ट का क्या बना, इट चेंजेस टू एल्डिहाइड, एस्टर चेंजेस टू एल्डिहाइड, ठीक है। और दूसरा पार्ट It changes to alcohol. Example देखें एक, इसकी करके दिखाओ प्लीज, मिथाइल फॉर्मेट की, what you will get, try करो। दो पार्ट कौन कौन से होंगे, इससे बनेगा एल्डिहाइड, इस पार्ट से अल्कोहल, इससे अल्कोहल और इस पार्ट से एल्डिहाइड। हाँ जी, एनीवन, कोई करेगा वॉलंटियर,
टिया, गुरलीन, नो, दुष्यंत, एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? ट्राई तो करो यार। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा? HCHO एल्डिहाइड। ठीक है, अगर जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखूं तो उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ, HC डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ गया H, और दूसरे पार्ट का CH3OH। सो वन इज फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, अनदर इज मीथेनॉल, मीथेनॉल। ओके, दिस इज प्रेपरेशन नंबर 7 ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। इसे नोट कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ओके, मैं इस लेक्चर को आपके साथ शेयर कर दूंगा। जिन्होंने भी पीछे अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स या स्पेशली अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज नहीं करी, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना, फिर ये लेक्चर दोबारा देखना प्रेपरेशन तक। ठीक है, से अच्छा रिवाइज करके देखना, तो देन दैट ये और कॉम्प्लेक्स होता जाएगा नेक्स्ट, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज और न्यू आ जाएगी। अभी जैसे 7 रिएक्शंस हैं, इन 7 रिएक्शंस को 5 टाइम 7 टाइम करके रखना नेक्स्ट टाइम, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जनरल रिएक्शन एग्जांपल जैसे एक एक मैंने कराई है, 2 करो, 3 करके देखो, 10 करके देखो। ओके, इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू सर।